गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर आवाज आ रही है सबको यस सर बुकलेट का पेज नाइनटी होगा मेरा ख्याल नाइन जीरो निकाल सॉरी एटी बुकलेट का पेज नंबर एटी निकालना दो टॉपिक हमने पढ़ने आज ये टू स्टडी करो एंड बैटरीज स्क्रीन शेयर हो रहा है यस यस ऑल ऑफ यू जस्ट आउट पेज नंबर एटी ऑफ योर बुकलेट

कोई भी मेटल अगर उसके ऊपर कोई लेयर बन जाती है उसके ऑक्साइड की या कार्बोनेट की या सल्फाइड की वो मेटल की शाइन खत्म हो जाएगी वो करोड हो जाएगा आयरन के केस में करोजन की जगह एक दूसरा वर्ड भी यूज करते हैं बिकॉज आयरन सबसे ज्यादा यूज करने वाला मेटल है तो उसको रस्टिंग भी बोलते हैं अब रस्टिंग के प्रोसेस में होता क्या है इक्वेशन सारी तुम्हें बुकलेट में प्रिंटेड है पेज नंबर एटी तुमने सिर्फ सामने रखना अपने आयरन कि एक इंटेंसिक टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है तो Fe, Fe, बनाना चाहता है। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारे पास में है, आपस में जुड़े हुए हैं रिडॉक्स अकेले ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन

आयरन अगर अपना इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स एयर में जो O2 है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है ये O2 एयर में प्रेजेंट है जिसको हम ब्रीथ कर रहे हैं पर O2 इन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता दिस कैन ओनली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ एच प्लस ये एच प्लस बेसिकली में वाटर से मिल रहा है तो आयरन ने करोडो न इसकी कमी नहीं हो सकती क्योंकि इसने तो खुद करोड़ होना है। यही रेस्ट होगा एयर में ट्वेंटी वन परसेंट ऑक्सीजन है तो जहां भी का टुकड़ा पड़ा हुआ है एयर तो होगी उसके हो पास तो इसकी भी कमी नहीं हो सकती ये दोनों तो सफिशियंट क्वांटिटी में यूजली जो चीज कम होती है रेस्टिंग में वो एच प्लस होता है अब रेनी सीजन अगर होगा सोचो दिमाग लाओ अगर रेनी सीजन है तो एच प्लस की कंसेंट्रेशन अपने आप बढ़ जाएगी वाटर होगा आसपास उसके वाटर होगा तो एच प्लस बनेंगे एच प्लस हो गए तो रेनी सीजन में रेस्टिंग फास्ट क्यों होती क्या Sir, of, uh, हो में है क्या लिखोगे पेपर में फास्ट इन इन रेनी सीजन आंसर बोलो डू मोर प्रेजेंस ऑफ द बिकॉज आयरन टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज रिडक्शन किसका हो रहा है तो अगर तुम एक आयरन के टुकड़े को यहां पे आयरन का टुकड़ा है ये सिर्फ एयर में है तो भी करोड़ नहीं होगा सिर्फ वाटर में डिस्टिल वाटर में आयरन को रख दो ऊपर से लिड को बंद कर दो आयरन करोड नहीं होगा अगर एयर और वाटर दोनों दो एक साथ हैं तो ही करोड़ होगा एयर ने क्या प्रोवाइड करना है ओ टू वॉटर ने क्या प्रोवाइड करना है एच प्लस तो यहाँ पे देखो अब ये इक्वेशन पक्का अच्छी तरह याद करनी है चारों इक्वेशन इस पेज की अब चारों इक्वेशन पे टिक करना चारों इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारी पहली इक्वेशन है सिर्फ बैलेंस करने के लिए इसको द ओनली रीजन इज बैलेंसिंग यहां पे मैंने दो आयरन लिखे अगर एक आयरन होता तो एफ टू प्लस और दो इलेक्ट्रॉन आते हैं यहां पे दो हैं तो चार हो गए ये ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है आ रहा पॉइंट समझ पहली क्वेश्चन समझ आ गई सबको अब आयरन जो पहली इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है बताओ चार सेकेंड इक्वेशन देखो ये O2 ये चार इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है पर किसकी प्रेजेंस में गेन कर रहा है 4H+ अब जो पहली इक्वेशन है इसके साइड पे लिखो ऑक्सीडेशन सेकेंड इक्वेशन के साइड पे लिखो रिडक्शन अब एक एनोड है एक कैथोड है दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम कर दिए फोर फोर दोनों को ऐड कर दोगे तो तुम्हारा सेल रिएक्शन आ गया ये ये सेल बन गया तुम्हारा ये नॉर्मली हमेशा वन मार्क क्वेश्चन आता है इसलिए पंद्रह सालों में सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया था तीन नंबर का उसमें चारों इक्वेशन लिखनी थी मैंने थ्री मार्क्स के हिसाब से यहां हुआ है पूरा कंप्लीट आंसर थ्री मार्क्स का है वो क्वेश्चन था एक्सप्लेन आगे ये लिखा हुआ था ये क्वेश्चन था एक्सप्लेन क्रोजन एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना तो तुमने यहां से लेकर यहां तक ये यह सारा लिखना है अब इस इक्वेशन के साइड पे तुमने लिखा है ऑक्सीडेशन इस इक्वेशन के साइड पे तुमने लिखा है रिडक्शन अब दोनों को ऐड कर दोगे तो ओवरऑल रिएक्शन ये आ गया अब तुम मुझे बताओ कि तुम ई नॉट सेल कैसे निकालते हो पढ़ाया था मैंने क्लास में नॉट सेल e कैसे अब तुम्हें यही वन मार्क आ जाए कि दौरान नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी तुमने याद करके जाना पे ये वैल्यू याद करनी है अब लिखो एक क्वेश्चन वाई अब चार पांच क्वेश्चन इसमें लिखने हैं नीटली साइड वाला पेज एट्टी के साइड वाला पेज खाली है उसमें नीटली क्वेश्चन लिखना शुरू करो वाई बोथ एयर एंड मॉइस्चर नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन वाई बोथ एयर एंड मॉइस्चर नेसेसरी फॉर रेस्टिंग ऑफ आयरन दोनों क्यों जरूरी है क्या आंसर है बोलो वाई एयर एंड मॉइस्चर बहुत नेसेसरी फॉर रेस्टिंग ऑफ आयरन क्या लिखोगे इसमें किसी का कोई आइडिया नहीं the electrons lost by fe are gained by o2 the electrons lost by fe are gained by o2 only in presence of h+ the electrons lost by fe are gained by O2 only in presence of H+. plus. लिखिया। Yes sir. O2 comes from air. O2 comes from air. H+ plus comes from moisture. So आगे क्वेश्चन लिख दो, आगे क्वेश्चन आ जाएगा. So both are required.

इतनी गर्मी नहीं होती पर पसीना ज्यादा आता है इतना ह्यूमिड है अगर ह्यूमिड है तो मॉइस्चर ज्यादा है रेनी सीजन कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस रस्टिंग ऑफ आयरन बिकम्स फास्टर दूसरा क्वेश्चन लिखो सेकेंड क्वेश्चन हाउ कैन यू से रस्टिंग ऑफ आयरन इज स्पॉन्टेनियस

ये इनोट सेल आ गया अब तुम लिखोगे डेल्टा जी याद करो ये क्वेश्चन हमने किया उस दिन डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल होता है तो अब तुम अगर वन इक्वेशंस को यूज कर रहे हो आयरन वाली इक्वेशन देख के मुझे बताओ एन की वैल्यू क्या है एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कट रहे हैं एनोड कैथोड का कितने इलेक्ट्रॉन कट रहे हैं में तो एन फोर हो गया फेरडे की वैल्यू क्या होती है और ई सेल तुमने निकाला उसका वन पॉइंट सिक्स सेवन ई नॉट लिख देते हैं तो अपने आप डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा तो लिखो आंसर लिखो सिंस सिंस ई नॉट सेल फॉर रेस्टिंग इज पॉजिटिव सिंस ई नॉट सेल फॉर रेस्टिंग इज पॉजिटिव So, delta G becomes zero, uh, delta G becomes negative. Since E0 cell for resting is positive, so delta G becomes negative. Thus, resting is a spontaneous process. Thus, resting is a spontaneous process. ये इक्वेशन लिख देना वहां पे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल अगर ये पॉजिटिव है फेरडे कभी नेगेटिव हो नहीं सकता एन कभी नेगेटिव हो नहीं सकता अगर ये पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव ही होगा अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो प्रोसेस क्या होता है स्पॉन्टेनियस अब तीसरा क्वेश्चन ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन थर्ड वाला जो है आयरन की सारी इक्वेशंस में जो तुम तुम्हें बुकलेट में सामने एटी पेज पे देखो चारों इक्वेशन ऊपर जो दी हुई है किसी भी इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं हो रहा पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है रस्टिंग बिकम्स फास्टर अब वो इक्वेशन में इन्वॉल्व ही नहीं है तो रस्टिंग को कैसे फास्ट कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड उसका रीजन क्या है मैंने तुम्हें अभी बताया कि आयरन ने रस्ट होना है तो आयरन की कमी हो नहीं सकती आयरन इज प्रेजेंट इन क्वांटिटी एयर की कमी हो नहीं सकती हम भी एयर ही ब्रीथ कर रहे हैं ओटू तो होता ही होता है तो रस्टिंग में सिर्फ इस चीज की कमी होती है रस्ट स्लो क्यों होता है क्योंकि एच प्लस बड़ा कम होता है ये लिमिटिंग रेजेंट है इसकी वजह से रस्टिंग स्लो होता है क्योंकि ये कम है एटमोसफेयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको ज्यादा कैसे कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड वॉटर में डिजॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड बना देता है मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो ये कार्बोनिक एसिड है है इसका नाम कार्बोनिक एसिड एसिड कैसे टूटेगा क्या देगा सोचो दिस गिव टू एच प्लस प्लस टू माइनस एच प्लस ज्यादा हो गया तो रेस्टिंग फास्ट हो जाएगा आ रहा पॉइंट समझ ठीक है yes, अब तुम थर्ड क्वेश्चन नोट करो इस पे मार्क कर लो वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार यही वाला आया है मार्क करो थर्ड क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लिखो एक्सप्लेन हाउ प्रेजेंस ऑफ सीओ टू एक्सप्लेन हाउ प्रेजेंस ऑफ सीओ टू कैन एनहेंस द रेट ऑफ रस्टिंग can enhance or can increase the rate of resting or rusting will become faster in presence of co2 explain how presence of co2 can increase the rate of resting yes sir ये दोनों बच्चा इक्वेशन नोट करो जिसमें मैं टिक कर रहा हूं सबसे पहले दोनों इक्वेशन नोट कर लू उसके नीचे लिखो सीओ टू इन वॉटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड co2 dissolves in water to form carbonic acid which dissociates to give h plus ions which dissociates to give h plus ions so can you please repeat CO2 dissolves in water to form carbonic acid, which dissociates to give h plus ions, since the concentration of h plan, since the concentration of h plus ions increases rusting becomes faster. since the concentration of H plus ions increases, rusting becomes faster. समझ आया आप लोगों को यस yes, नो no, जल्दी बोलो फटाफट कैन एनी बड़ी रिपीट क्या आंसर लिखा है

अब वो वेरिएशन क्या क्रिएट कर सकते हैं वो तुम्हें एसओ दे सकते हैं एसओ ज्यादा होगा तो भी रेस्टिंग फास्ट होगा क्योंकि तो ये वाटर में डिजोल्व होके सल्फ्यूरस एसिड बना देता है ये भी टूट के एच प्लस दे देगा एसओ अगर वहां ज्यादा होगा ये वाटर में डिजोल्व होकर सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का क्वेश्चन आ जाए एसओ का आ जाए एसओ का आ जाएगा तुम्हारा आंसर सेम रहेगा एसिड चेंज हो जाएंगे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरस एसिड बनाता है सल्फर ट्राइक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है सारे टूट के एच प्लस देंगे H अगर हो जाएगा, तो रस्टिंग फास्ट हो जाएगा सबको समझ ठीक है क्लियर है पॉइंट yes, yes, ठीक है? अब मैं क्लास में थर्ड टाइम एक चीज रिपीट कर रहा हूँ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग रस्टिंग में इसने ऑक्सीडाइज होना है, ये रस्ट होगा ये उसके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा पर ये सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉन एच प्लस के प्रेंस में गेन कर सकता है इन दोनों की कभी कमी नहीं हो सकती ये इनफ होता ये इनफ होता है प्रॉब्लम इसमें होती है तो रस्टिंग में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं ये अगर आयरन का ऑब्जेक्ट है सपोज यहाँ से रस्ट होना शुरू हुआ रस्टिंग अपने आप को भी फास्ट करता रहता है बड़ा स्लोली शुरू होता है पर बड़ा फास्ट हो जाता है उसका रीजन क्या है फेरस बनता है शुरू में

ये वाटर और ओटू की प्रेजेंस में वाटर तो होगा ही वहां पे फेरिक ऑक्साइड जब बना तो साथ में इसने चार एच प्लस में हेल्प करना शुरू कर देंगे पॉइंट समझ आ रहा है तो हमेशा कमी रहती है एच प्लस की जब फेरस फेरिक में चेंज होता है खुद ही एच प्लस बना देता है तो रेस्टिंग अपने आप को ही फास्ट करता रहता है इट्स स्टार्ट्स वेरी स्लोली ग्रेजुअली फॉर्मेशन ऑफ दिस एच प्लस अब तुम्हें एक वन मार्क क्वेश्चन आ जाए वॉट इज रस्ट तुमने ये लिख के आना है ये ये अंडरलाइन करो इसको वॉट इज रस्ट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज कॉल्ड रस्ट एफ ई टू थ्री डॉट एक्स अब तुमने ये चारों इक्वेशन याद करनी है तुम्हारे पास यू हैव थर्टी सेकेंड फटाफट यहां से लेकर यहां तक सारा रीड करो जो हाईलाइटेड है इस वक्त एक बार वहां तक पढ़ो जल्दी से ठीक है अब ये वाला बॉक्स रीड करो फ्रॉम दीज इक्वेशन अंडरस्टैंड क्लियरली वाई बोथ एयर एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन सेकेंड बॉक्स रीड करो हाइड्रोजन आयन इन वॉटर इज प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरीली ड्यू टू डिशन ऑफ सीओ टू प्राइमरीली होगा उसमें ठीक है

बहुत सिंपल होता है घर पे हम काफी यूज करते हैं जो भी घर पे हमारे ग्रिल्स वगैरह लगी होती हैं, हम उनको पेंट कर देते हैं अगर तुम लगा देते हो बेसिकली देर शुड बी अ बैरियर बिटवीन आयरन एंड द एटमोस्फेयर तो उसको बोलते हैं बैरियर प्रोटेक्शन अब इसमें घर पे जो हमारी पाइप्स होती हैं उसके ऊपर हम क्या करते हैं हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं एंड पाइप्स दैट वी यूज एट होम आर कॉल्ड पाइप सुना हुआ सबने गलवेशन जिंक yes, को किससे आयरन को किससे कोट कर रहे हैं हम जिंक से ठीक है yes. अब तुम ये विजुलाइज़ करो ये आयरन की पाइप है ये आयरन की नॉर्मल घर पे हमारी पाइप्स लगी होती हैं उसमें आयरन की पाइप है इसके ऊपर जिंक की कोटिंग की हुई है तो ये जिंक है और ये आयरन है जिंक आयरन को बचा लेता है जैसे एल्यूमिनियम जब ऑक्सीडाइज होता है तो ए एल टू ओ थ्री की लेयर बन जाती है एल्यूमियम करोड नहीं होता ये उसको बचा के रखता है ए एल टू ओ थ्री उसके ऊपर चिपक जाता है एलमिनियम को बचा के रखता है जब क्रोजन होता है तो एफ एफ ई टू ओ थ्री बनाता है ये एफ ई को बचा नहीं सकता है क्योंकि ये सरफेस से पील होकर गिर जाता है एंड इट एक्सपोजेस न्यू सरफेस तो आपने छोटी क्लास में सबने पढ़ा है कि एल्युमिनियम को ए एल टू थ्री बचा लेता है मेरा क्वेश्चन ये है कि एफ ई टू थ्री एफ कोई को नहीं बचा लेता रस्ट भी तो एफ टू थ्री है क्योंकि ये सरफेस से पील होकर गिर जाएगा तो एफी टू थ्री कैनोट प्रिवेंट क्रोजन ऑफ एफी बिकॉज दिस डॉट स्टिक टू द सर्फेस ऑफ एफी पील्स फ्रॉम द सर्फेस जिंक के केस में भी एल्यूमिनियम वाला केस है जिंक जब अगर आयरन के ऊपर लगाते हो तो ये अपना कार्बोनेट बना लेता है उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं होता जिंक आयरन को बचा लेता है दिस इज बैरियर प्रोटेक्शन तुमने एटमोस्फेयर और आयरन के बीच में जिंक की एक लेयर बना दी बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन था उन्होंने बोला कि यहां से कोटिंग टूट गई तुमने पाइप को पाइप के ऊपर की कोटिंग की सपोज यहाँ पे कट लग गया पाइप तो यहां से जिंक की कोटिंग हट गई तो अब ये आयरन जो एक्सपोज हो रहा है क्या ये करोड होगा या नहीं होगा इस केस में तुम्हारा आंसर नहीं होगा तुम क्वेश्चन लिख लो शुड बी योर क्वेश्चन नंबर फोर नोट करो क्वेश्चन इफ जिंग कोटिंग इन अ गैल्बनाइज पाइप इफ जिंग कोटिंग इन अ गैल्बनाइज पाइप ब्रेक्स विल आयरन एट दैट पॉइंट करोड इफ जिंग कोटिंग

Zinc being more reactive than iron will give electrons to Fe two plus. Zinc being more reactive than iron will give electrons to Fe two plus. एंड प्रिवेंट करोजन एंड प्रिवेंट करोजन इक्वेशन लिखो करोजन में एफ ई बनाता है एफ ई टू प्लस और दो इलेक्ट्रॉन देता है जैसे ही एफ ई टू प्लस बनेगा जिंक उसके साथ टच में है मेटल्स आर एक्सीलेंट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये वाला जिंक अपने इलेक्ट्रॉन भेज देगा यहाँ पे ये वाला भेज देगा ये वाला भेज देगा जब तक जिंक का एक भी एटम आयरन के साथ टच में है आयरन करोड नहीं हो सकता जैसी एफ ई टू प्लस बनेगा जिंक उससे ज्यादा रिएक्टिव है वो इसका अपने दो इलेक्ट्रॉन देके एफ ई को टू प्लस को वापस एफ ई कर देगा और जेडन टू प्लस बन जाएगा जिंक उसको बचा के रखेगा तो अगर गैल्वेनाइज पाइप में कहीं से कोटिंग टूट जाती है तो भी वहां पर आयरन करोड नहीं होगा क्योंकि जिंक आयरन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकता है क्योंकि जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है अब जैसे हम जिंक की कोटिंग करते हैं ऐसे हम टिन की कोटिंग भी कर सकते हैं टिन की कोटिंग होता है जो टिन फूड आता है उसमें टिन की कोटिंग होती है जिंक की कोटिंग नहीं होती है तो तुम्हें वैसे वो अगर पूछ लें कि एक पाइप है हम उसमें टिन की कोटिंग क्यों नहीं करते हैं टिन आयरन से कम रिएक्टिव होता है तो टिन आयरन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं कर पाएगा तो हमेशा कोटिंग प्रेफर करते हो जो ज्यादा रिएक्टिव हो ताकि अगर कोटिंग कहीं से चिप लग के टूट भी जाए तो वो करोड़ ना हो ठीक है तो एक नोट लिखो इसके नीचे नोट लिखो वी प्रेफर कोटिंग विद अ मोर रिएक्टिव मेटल वी प्रेफर कोटिंग विद अ मोर रिएक्टिव मेटल आर यू गेटिंग द पॉइंट आ रहा है समझ आ रहा है yes. why you know, why you don't prefer coating with a less reactive metal? क्या होगा इट विल नॉट बी एबल टू सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू Fe2+। तो करोड़ होता रहेगा लेस रिएक्टिव से नहीं करते हैं रे, लेस रिएक्टिव से तुमने कोटिंग कर दी कहीं से कोटिंग टूट गई तो वायरन करोड़ होना शुरू हो जाएगा लेस रिएक्टिव वाला बचा नहीं सकेगा उसको मोर रिएक्टिव वाला बचा लेगा अब नेक्स्ट पार्ट क्या है गैरियर तो प्रोटेक्शन बुकलेट में दिया हुआ डॉक्टर मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ऑयल पाइप जा रही है अगर कहीं से रस्टिंग हो गया और पाइप में कोई लीकेज हो गया दे कैन लूज बिलियन ऑफ डॉलर इसको प्रिवेंट करने के लिए इसका परमानेंट इलाज किया है कि ये करोड़ हो ही ना तो क्या करते हैं ये पाइप लेते हैं ये सपोज अंडरग्राउंड पाइप जा रहा है या इट इज एक्सपोज टू एयर और मॉइस्चर वो इसे एक हाई कंडक्टिंग वायर लगाएंगे और इसके साथ मैग्नीशियम या जिंक का पीस जोड़ देंगे कोई भी मेटल जो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव हो जैसे ही करोड़ होने की कोशिश करेगा तो एफ फटाफट एफ बनाएगा इलेक्ट्रॉन देगा और अगर मैग्नीशियम उसके साथ टच में है Fe2+ टू प्लस जैसे बनेगा मैग्नीशियम इतना ज्यादा रिएक्टिव है वो आयरन को इलेक्ट्रॉन देके Fe में चेंज कर देगा खुद सेक्रीफाइज होकर Mg2+ बना देगा हर दो तीन महीने बाद जाके वो मैग्नीशियम के टुकड़े को चेंज कर देंगे तो जो पाइप की मेंटेनेंस होती है जो मेंटेनेंस वाले लोग होते हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि हर थोड़े दिन बाद जाके वो रिएक्टिव मेटल के टुकड़े को रिप्लेस कर देने या मैग्नीशियम लगा देंगे ये सेक्रीफाइस होता जाएगा पर आयरन को बचा के रखेगा और इस वायर के थ्रू मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे होंगे दिस इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन और सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन वो सैक्रिफाइस हो रहा है एक मेटल तो मैग्नीशियम को सैक्रिफाइस कर रहे हो आयरन को बचाने के लिए ठीक है अब तुम्हें ये वाला पार्ट दिस इज गिवन टू यू इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन एक बार ये रीड कर लो पहले पढ़ो चार लाइनें तो है जल्दी से रीड करो पढ़ लिया इसमें इस जहां तुम्हें ये प्रोटेक्शन लिखा है उसके साइड पे ना ये वाला फिगर ड्रॉ कर लो याद रहेगा फिर ये वाला फिगर जहां ड्रॉ कर लो और ये इक्वेशन नोट करनी है तो कर लो यस नो ओके देखो अब ध्यान दो तुम मुझे बताओ रेस्टिंग एसिडिक मीडियम में होगी बेसिक मीडियम में बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं एसिडिक एक ही को आया समझ बाकी को भी आया रस्टिंग अकर इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम क्या चाहिए वो एल्केलाइन होंगे एल्केलाइन का मतलब होगा उनमें तो ओ एच माइनस जाके खुद ही पहले एच प्लस के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो एच प्लस कम हो जाएगा तो रस्टिंग होना बंद हो जाएगा तो यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट रीड करो इसमें ने बड़ा क्लियर लिखा है अल्कलाइन फॉस्फेट्स या अल्कलाइन क्रोमेट्स बोर्ड एग्जाम में यही पूछ लें तुम्हें व्हाई एंटी रस्ट सॉल्यूशंस आर यूजुअली अल्कलाइन तुमने लिखना है बिकॉज़ रस्टिंग अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ एच प्लस इफ द मीडियम इज अल्कलाइन इट विल रिएक्ट विद एच प्लस एंड प्रिवेंट रस्टिंग आ गया समझ यस सर यस अब

देखो जो खाने की चीजें आती हैं विच वी कॉल एज कैंट फूड वो हमेशा उसको टिंक फूड भी बोलते हैं उसका रीजन क्या होता है खाने के अंदर आवर फूड बेसिकली हैज लॉट ऑफ वाटर कंटेंट एनी फूड दैट यू हैव वाटर कुछ हद तक आयनाइज होगा वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट स्टिल इट प्रोड्यूज एच प्लस अब तुम सोचो तुमने जिंक की कोटिंग की हुई है खाने के गेंद पे तो जिंक तो हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो ये जो एच प्लस है उसके साथ रिएक्ट करके टू बना दे खाने का पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा हम जिंक की कोटिंग नहीं कर सकते टिंड फूड बोलते हैं फूड नहीं बोलते उसको जिंक की कोटिंग करोगे तो खाने के अंदर जो एच प्लस है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा पर अगर टिन की कोटिंग करोगे तो रिएक्ट नहीं करेगा इसलिए जो खाने की आइटम होती है उसमें टिन की कोटिंग की जाती है जिंक की कोटिंग नहीं की जाती आ गया समझ पॉइंट यस बिकॉज टिन इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन इट विल नॉट रिएक्ट विद एच प्लस दैट्स योर आंसर अब ये पूरा पेज चेक कर लो एक बार देख लो इसमें कोई डाउट है तो और लिख लो साइड पे मेमोराइज इक्वेशन इक्वेशन नहीं याद कर गए और तीन नंबर का क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन क्रोजन एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना ये इसके आगे एक्सप्लेन लिख लो तो ये तीन नंबर का क्वेश्चन था ये मैंने एग्जैक्ट तीन नंबर के हिसाब से ये आंसर लिखा हुआ है पूरा लिख के आना अगर ये थ्री मार्क क्वेश्चन आ जाता तुम्हें तो, तो अब पेज नंबर एटी सबको क्लियर है यस yes, नो no, जल्दी बोलो फटाफट सेवेंटी एट पेज निकालो जस्ट एक पेज नंबर सेवेंटी एट देखो पेज सेवेंटी एट अब हम पढ़ रहे हैं सेल्स या बैटरीज सेल को हमने दो फैमिलीज में कैटेगराइज किया प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी सेल होते हैं वन टाइम यूज तुम टीवी के रिमोट में जो सेल डालते हो डबल ए ट्रिपल ए आठ महीने बाद खत्म हो जाते हैं है, है, उसमें एक छोटा सा बटन शेप का सेल होता है अब तुम उसको कभी रिचार्ज नहीं करते हो तुम्हारी सबोज घड़ी चलनी बंद होगी घड़ी वाले के पास जाओगे वो छोटा सा सेल आता है बटन शेप का वो चेंज कर देता है वो वन टाइम यूज के लिए ऐसे सेल्स जो रिचार्ज नहीं हो सकते जो एक टाइम के लिए आप यूज कर सकते हो सिर्फ उनको बोलते हैं प्राइमरी जो रिचार्ज हो सके सेकेंडरी दिस अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स सारे सेल सेकेंडरी क्यों नहीं बना देते फिर हम सारे रिचार्ज क्यों ना हो सके एक रिचार्ज होने के लिए कंडीशन है कि जो प्रोडक्ट होता है उसको इलेक्ट्रोड पे स्टिक होना होता है दूसरा कॉस्ट फैक्टर है तो तुम्हारे मोबाइल की बैटरी है इट हैज टू बी ए सेकेंडरी सेल लिथियम आयन बैटरी तुम यूज कर रहे हो मोबाइल में यूजली वही होती है सेकेंडरी सेल इसलिए मैं एक बार फोन पे बात की मेरी बैटरी खत्म तो हुई थोड़ा कि मैं नया बैटरी खरीदने जाऊंगा ये घर पे हमारे इन्वर्टर होता है जो लेट स्टोरेज बैटरी यूज होती है इन्वर्टर के अंदर those are secondary cells where you require multiple usage, everyday usage, high uh, usage, so those have to be secondary cells. Secondary cells are obviously more expensive. ab primary cell mein tumne do yaad karne हैं dry aur mercury secondary में तुम्हारे course में एक ही detail में lead storage दूसरा sir में mentioned है nickel cadmium और वहाँ लिखा detail course में नहीं है तो आएगा नहीं अब ये तीन cell है मैं तीनों की डिटेल तुम्हें बता रहा हूं तीनों में इनवेरेबली बोर्ड एग्जाम में नाइनटी परसेंट चावेशन आएंगी कुछ ज्यादा पूछते नहीं वो बोलते हैं ड्राई सेल के एनोड पे क्या हो रहा है या मरकरी सेल के कैथोड पे क्या हो रहा है एक पूछते हैं एनोड या कैथोड पे क्या हो रहा है तो सेवेंटी एट पेज के टॉप पे सबसे ऊपर लिखो मेमराइज इक्वेशंस सेल के बारे में मेन टॉपिक जो तुम्हें आएगा दो हजार इक्वेशन सेवेंटी एट पेज के टॉप पे लिख लो मेमोराइज इक्वेशन तुमने इक्वेशन रंग से करनी है उसकी लिख लिया ओके yes, okay. अब ये देखो वाटर प्राइमरी सेल्स क्या कह सकते हैं हम कैन दे बी रिचार्ज नो सर ये मार्क कर लो अंडरलाइन कर लो इसको प्राइमरी सेल्स और बैटरीज दे कैन नॉट बी रिचार्ज देयर फॉर वन टाइम यूज अब इसमें ड्राई सेल सबसे कॉमन सेल जो तुम यूज करते हो नॉर्मली दस पंद्रह रुपए का सेल आता है ये टीवी के रिमोट में जो डलता है एवर रेडी का सेल या ऐसी कंपनी का सेल आता है नॉर्मल सेल इसके एनोड पे जाओ जहां मेरा कर्सर है इस वक्त के ऊपर लिखो जीरो और जेड एन टू प्लस के ऊपर लिखो प्लस टू जिंक के ऊपर लिखो जीरो और जेड एंड टू प्लस जहां इसके ऊपर लिखो प्लस टू ऑक्सीडेशन तो हो रहा है एनोड हो गया कैथोड पे एम एन ओ टू लिखा हुआ है उसमें एम एन के नीचे लिखो प्लस फोर और प्रोडक्ट साइड पे जाओ एम एन ओ एच उसमें एम एन के नीचे लिखो प्लस थ्री एन तो पे क्या लिखना जेड एन एलिमेंट है बेटा जीरो जेड एन पे जीरो जेड एन टू प्लस पे प्लस टू एम एन ओ टू के एम एन पे प्लस फोर और एम एन ओ एच के एम एन पे प्लस थ्री एनोड पे ऑक्सीडेशन है तो जीरो से प्लस टू पे जा रहा है कैथोड पे रिडक्शन है तो प्लस फोर से प्लस थ्री हो रहा है तो तुम्हें तो पूछे ड्राई सेल में कौन सी चीज रिड्यूज होती है तुमने लिखना है एम एन ओ टू एम एन ओ टू रिड्यूज होकर एम एन ओ ओ एच बना देता है प्लस फोर से प्लस थ्री पे आ जाता है कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है जिंक Zn से जेड एन टू प्लस बन रहा है अब एक्चुअली जो उसका कैथोड होता है वो ग्रेफाइट का होता है पर उसके आसपास पास एम एन ओ टू का पेस्ट डाला होता है ग्रेफाइट सिर्फ इलेक्ट्रॉन को पास करने दे रहा है रिडक्शन ग्रिफाइट का नहीं हो रहा है MNO2 का हो रहा है ये तुमने याद करनी है ये पॉइंट दोनों एनोटिक कर लो मैंने पेज के टॉप पे लिखवा दिया है सेल अगर पेपर में आएगा तो इक्वेशन ही आती है उसकी अब तुम प्रॉपरली इतना पार्ट रीड करो जस्ट रीड दिस पार्ट एक्सेप्ट ammonium chloride. Ammonium chloride करता है और वो अमोनिया में चेंज हो जाएगा अब अमोनिया का हम इसमें से गैस नहीं निकलने देते सेल अमोनिया को हम ट्रैप कर लेते हैं एज अ कॉम्पलेक्स वो हम पार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ट कमिस्ट्रीनियोकॉम ट्रैप कैसे करते हैं सेल में तुमने अब ये जो हाईलाइटेड पार्ट है वो याद करना है और ये दो इक्वेशन याद करनी है यहां तक समझ आ गया सेल का पोटेंशियल जो नॉर्मल टीवी के रिमोट में सेल डालते हैं पोटेंशियल याद कर लेना है ये याद होना चाहिए पेपर के लिए अब सेकंड सेल है मरकरी सेल ये पहला इसमें ड्राई सेल था द सेकंड वन इज मरकरी मरकरी वाला तुम वॉच में यूज करते हो अब इस सेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट डजेंट आयंस सारे के सारे सॉलिड या प्योर लिक्विड होते हैं तो तुम याद करो अब नॉ सिक्वेशन। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन एन लॉक क्यों होता अगर सारे के सारे सॉलिड हो या प्योर लिक्विड हो आयंस है ही नहीं सबकी कंसेंट्रेशन वन लेनी पड़ेगी लॉक वन जीरो होता है तो यहाँ पे ये लॉक वन आ जाएगा ये जीरो हो जाएगा। पूरी चीज जीरो तो मर्की सेल की एक खासियत होती है उसमें e सेल और नॉट e सेल सेम रहता है वो एक ही पोटेंशियल पे काम करता और सेल काम करना बंद कर देता so तो इट डजन पोटेंशियल डज नॉट चेंज विद टाइम तो पूछेंगे मर्क सेल का पोटेंशियल चेंज क्यों नहीं होता टाइम के साथ तुम बोलोगे बिकॉज इट डेव एनी बुकलेट में लिखा हुआ है एंड दैट इज द रीजन वाई दिस कैन बी यूज इन एड और रिस्ट वॉचेस अब किसी की घड़ी 20 लाख ,00 रुपए की हो सकती है अब सेल का अगर पोटेंशियल चेंज हो रहा हो इट कैन कॉज इलेक्ट्रिकल फेलियर तो 20 लाख ,00 की घड़ी 40 ,00 रुपए के सेल की वजह से खराब ना हो इसके लिए इन सेल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है सेल यूज किए जाते हैं देयर पोटेंशियल डज नॉट चेंज विद टाइम दे वर्क एट अ सिंगल पोटेंशियल इसमें तुम मार्क करो एनोड पे जेड जो लिखा है जेड का मतलब होता है अमलगमेटेड जिंक जिंक अमलगम के साथ है मरकरी के साथ है तो जिंक के ऊपर जीरो लिखो ZnO में जिंक के ऊपर लिखो प्लस टू एच पे जाओ नीचे एच है उस पर लिखो प्लस टू और प्रोडक्ट साइड पे कैथोड पे मरकरी है एच जी लिक्विड उस पर लिखो जीरो

अब तुम एनोड और कैथोड दोनों को ऐड कर दो तुम्हारा ओवरऑल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे ओ एच कट जाएगा वाटर कट जाएगा तुम्हारा ये रिएक्शन आ गया जिंक सॉलिड है एच जी ओ सॉलिड है जेडन ओ सॉलिड है किसी की कंसेंट्रेशन नहीं लिखनी और मरकरी प्योर लिक्विड है प्योर लिक्विड को भी नहीं लिखते सबकी कंसनट्रेशन वन है तो लॉग वन आ जाएगा तो ये सेल का पोटेंशियल टाइम के साथ चेंज नहीं होता तुम्हें तो पूछे हैं मर्करी सेल्स कैन बी यूज्ड इन वेरी एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट तुमने लिखना है बिकॉज़ दे वर्क एट अ सिंगल पोटेंशियल एज़ देर आर नो आयंस प्रेजेंट इन दिस ठीक है अब एक बार आप ये वाला पार्ट पहले रीड करो फिर इसको हम डिस्कस करते हैं पहले पढ़ लो इसको तुम सबने जो रिस्ट वॉच में हम छोटा सा बटन शेप सेल जाता है देखा हुआ है सबने सेल उसी की बात हो रही है उसमें क्या ऐसी है है कि कि वो यूज हो सकता है रिस्ट में कि उसका पोटेंशियल टाइम के साथ चेंज नहीं होता ये आपने याद रखना अब ये मिनिमम जो सेल के बारे में मैंने एनसीईआरटी लिया है मैंने उससे नोट्स बनाए हैं इतना मिनिमम याद करके जाना है बोर्ड एग्जाम में अब ये वाली लाइन जो मैं अब हाईलाइट कर रहा हूं इसको अंडरलाइन कर लो यहां से यहां से लेकर यहां तक अंडरलाइन कर लो ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन कि उनका पोटेंशियल चेंज क्यों नहीं होता हो गया यस yes, अब पेज के टॉप सेवेंटी एट पेज पे हो आप लोग इसके टॉप पे एक चीज लिखो द सेल्स वी यूज द सेल्स वी यूज तुम जो सेल यूज कर रहे हो उसमें क्या फीचर होने चाहिए द सेल्स वी यूज शुड बी पहला पॉइंट लिखो लाइट और इजी टू कैरी द सेल्स वी यूज शुड बी लाइट एंड इजी टू कैरी मतलब तुम्हारा मोबाइल फोन सपोज 200 ग्राम का है और तुम्हारे मोबाइल फोन की बैटरी अगर 20 किलो की होगी तो तुम कैसे लेके मोबाइल फोन को मोबाइल तो जो सेल की यूटिलिटी क्या होती है मोबिलिटी सेल तुम तो हमेशा उस चीज में यूज करोगे जिस चीज ने मूव करना हो टीवी का रिमोट हम मूव करते रहते हैं कभी सोफे पे पड़ा हुआ है कभी यहाँ पड़ा हुआ है कभी वहां पड़ा हुआ है दो चीज मूव हो रही है और उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हम सेल यूज करते हैं घर के फ्रिज में हम सेल यूज नहीं करते हैं तो जो चीज अगर मूव करनी है हमने तो लाइट हो तो अच्छा रहेगा तो सेल लाइट होना चाहिए सेकेंड पॉइंट लिखो इकोनॉमिकल ये कमर्शियल सेल्स हैं सो इसमें कॉस्ट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सेल का पहला फीचर है लाइट दूसरा इकोनॉमिकल तीसरा दे शुड नॉट ब्रेक बेसिकली दे शुड बी रगेड वेयर टेयर नहीं होना चाहिए उनका दे शुड नॉट ब्रेक दे शुड नॉट इजीली ब्रेक ऐसे लिख लो और फोर्थ पॉइंट लिखो देयर पोटेंशियल शुड नॉट ड्रॉप मच ड्यूरिंग यूजेज पहला पॉइंट है लाइट दूसरा इकोनॉमिकल तीसरा है दे शुड नॉट ब्रेक इजली एंड फोर्थ देयर पोटेंशियल शुड नॉट ड्रॉप मच ड्यूरिंग यूजेज ये चार पॉइंट नोट कर लो सेल के बारे में वेन एवर यू नीड इलेक्ट्रिसिटी एंड यू आर ऑन अ मूव यू विल यूज अ सेल दैट इज द बेसिक आइडिया अब जो लास्ट हमने पढ़ना है आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है आई विल टेक अनदर विलेक मिनट्स सेवेंटी नाइन पेज निकालो सबसे इम्पोर्टेंट वही है पूरी क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेड स्टोरेज सेल पेज सेवेंटी ये हाईलाइट कर लो यहाँ पे इसको मार्क करो टिक करो लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखो लेड स्टोरेज इज अ सेकेंडरी सेल दैट मींस इट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिचार्ज्ड दिस इज प्राइमरली यूज एज एन बैटरी फॉर योर इन्वर्टर और या कार की या स्कूटर की बैटरी वो हो जो होती है वो लेड स्टोरेज का बना होता है अब इसको कैसे याद करना है? मैं इसका तरीका बता रहा हूं सबसे इम्पोर्टेंट जो आज पढ़ा यही है उनमें से इसका शॉर्टकट है ये नोट करना है आपने आप ऐसा करो जहां ये लेट स्टोरेज लिखा हुआ है एनोड कैथोड लिखा है इसमें इसके नीचे इसके साइड वाली जगह है इसमें नोट कर लो जहां मेरा इस वक्त कर्सर है यहां पे नोट कर लो इसको जो मैं यहां लिख रहा हूं तो मैं से याद करोगे इसको पीबी पीबीएसओ फोर बनाता है। और पी बी ओ टू भी पीबीएसओ फोर बनाता है ये जीरो से पीबीएसओ फोर एसओ फोर टू माइनस होता तो इसमें PB plus है और PbO2 टू में प्लस फोर है और ये प्लस टू पे जा रहा है ये इसका शॉर्टकट है पूरे सेल की इक्वेशन लिखनी है सिर्फ तो तो ये याद करना है इससे अपने आप इक्वेशन बन जाएंगे अब ये सोचो Pb अगर PbSO4 एसओ फोर बनाएगा तो जीरो से प्लस टू पे जा रहा है दैट मीन्स इट इज एक्टिंग लाइक वॉट एनोड पीबीओ टू में प्लस फोर है प्लस फोर से प्लस टू पे जा रहा है तो रिड्यूस हो रहा है इट एक्टिंग क्या इसको यूज करके मैं इक्वेशन बना के दिखा रहा एनोड मैंने सपोज बोर्ड एग्जाम में ये मैं शॉर्टकट याद करके गया सारे सेल की इक्वेशन याद नहीं की मैंने ये शॉर्टकट याद किया हुआ इससे मैं रिएक्शन कैसे बना रहा हूं तो मैं बना के दिखा रहा हूँ पीबी एसओ फोर बना रहा है ये मैंने याद किया हुआ है तो ऑब्वियसली पीबी को एसओ फोर टू माइनस सही होगा लिख दिया एसओ फोर बना दिया और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने ये तो याद रहेगा तो एनोड ऐसे बना दिया पीबी पीबीएसओ फोर बना रहा है तो पीबी लिखा प्लस सल्फेट लिखा पीबीएसओ फोर बनाया और दो इलेक्ट्रॉन दे दी एट कैथोड तुम्हारे पास पीबीओ टू है बनाता तो ये भी पीबीएसओ फोर है तो पीबी टू लिखा प्लस एसओ फोर टू माइनस लिख दिया एनोड ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए दो वो यहां लिख दिए कैथोड में रिडक्शन हो रहा दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब जो पॉइंट है यही वाला भूलता है ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो घर पे तुम इन्वर्टर की बैटरी यूज करते हो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है अगर मुझे एक सल्फेट चाहिए तो मुझे एक सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होगा एक सल्फेट के साथ ये 2h+ देगा अब ध्यान से दोनों इक्वेशन देखो तुम्हें अगर दो सल्फेट चाहिए तो कितने सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होंगे दो अगर दो सल्फ्यूरिक एसिड होंगे तो H प्लस कितने होंगे चार तो यहाँ पे जस्ट राइट फोर एच प्लस यही भूलता है मिशन बच्चों को फोर एच प्लस कैसे आता है एक सल्फ्यूरिक एसिड एक सल्फेट देता है और दो एच प्लस देगा एनोड पे भी पीबीएसओ फोर बनना है कैथोड पे भी पीबीएसओ फोर बनना है मुझे दो सल्फेट चाहिए ध्यान से देखो दोनों बार ये सल्फेट रिएक्टेंट है अगर दो सल्फ्यूरिक एसिड लोगे तो चार एच प्लस है तो यहाँ पे चार एच प्लस आपने याद रखना है इसको ये बना PbSO4 तो याद ही रहेगा वही बनना है, प्लस टू एच टू आपकी एनोड की इक्वेशन है ये कैथोड की दोनों को सिंपली ऐड कर दो क्या कटेगा सोचो दिमाग लाओ क्या कट रहा है ये इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे तुमने लिखना नहीं है बुक में प्रिंटेड है तो तुम लिखोगे पीबी PB प्लस पीबीओ टू प्लस अब ये सब कुछ मिलके क्या बनता है ये जिनको मैंने सर्कल किया है मिलके क्या बनाएंगे कितने बनेंगे यहाँ पे आया तो। समझ अरे एस नो तो करो प्रोडक्ट साइड पे क्या बनेगा बोलो पीबीएसओ फोर कितने बनेंगे दो और साथ में क्या बनेगा टू एच टू ये तुम्हारा एनोड है ये कैथोड है ये ओवरऑल सेल रिएक्शन है ये सेल रिएक्शन लिखा है बुक में चेक करो प्रिंटेड है वहां पे इस शॉर्टकट से तुम तीनों बना सकते हो अगर तुम्हें शॉर्टकट समझ आ रहा है मैंने क्या किया है तो उसको एक बार प्रैक्टिस करना अब पेज के टॉप पे लिखो सबसे ऊपर लिखो इस पेज के व्हेन वी आर यूजिंग लेड स्टोरेज बैटरी व्हेन वी आर यूजिंग लेड स्टोरेज बैटरी द मोलैरिटी और डेंसिटी मुलेरिटी और डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कीप्स ऑन डिक्रीजिंग वेन वी आर यूजिंग लेट स्टोरेज बैटरी द मुलेरिटी और डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कीप्स ऑन डिक्रीजिंग लिख लिया उसका रीजन क्या है ये क्वेश्चन है तुम्हारी सेल जब काम कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड वाटर बनाता जा रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से अगर वाटर बनता जाएगा तो सल्फ्यूरिक एसिड कम होता जाएगा वाटर ज्यादा हो जाएगा डिल्यूट होता जाएगा वो तो उसकी मोलारिटी भी कम होती जाएगी उसकी डेंसिटी भी कम होती जाएगी ठीक है ये जो सारी इक्वेशंस हैं जो तुम्हें बुक में प्रिंटेड हैं ये तब हैं जब तुम अपने घर का इन्वर्टर यूज कर रहे हो तो ये तब हो रहा है जब ये बैटरी यूजेज में है डिस्चार्ज हो रही है जब इलेक्ट्रिसिटी पीछे से आएगा तो ये रिचार्ज होना शुरू हो जाएगा अगर रिचार्ज होगा तो तुम्हारे रिएक्शन उल्टे हो जाएंगे पीबीएसओ फोर वापिस बना देगा पीबीओ टू और पी फोर यहाँ पे पीबी बना देगा तो ये तभी सेकेंडरी सेल है तुम अब घर पे मोबाइल यूज कर रहे हो तो वो डिस्चार्ज हो रहा है अब तुम रात को उसको चार्जिंग पे लगा दो तो रिचार्ज हो रहा है तो दोनों रिएक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए ना तो ये वाले जो बुक में प्रिंटेड हैं ये डिस्चार्जिंग के रिएक्शन हैं जब तुम सेल को यूज कर रहे हो ये ये लाइन अंडरलाइन कर लो इसको द सेल रिएक्शन वेन द बैटरी इज इन यूज यूज के ऊपर लिखना है तो लिख लो डिस्चार्ज ये तब है अब ये लाइने मार्क करो ऑन री ऑन चार्जिंग या रीचार्जिंग द बैटरी रिएक्शन इज रिवर्स्ड पीबीएसओ फोर ऑन एनोड एंड कैथोड इज कन्वर्टेड इन टू पीबीएंड पीबीओ टू रिस्पेक्टिवली वापिस हो जाएगा आ गया पॉइंट समझ ठीक yes, है अब ये वाला पार्ट रीड कर लो सिर्फ खत्म है ये ये पार्ट रीड करो पहले तक आगे समझ निकल कैडमियम की मैं एनसीआरटी में लिखा है डिटेल्स नॉट बी स्टडीड तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं निकल कैडमियम तुम जो रिचार्जेबल सेल नहीं आते या रिमोट कंट्रोल कार आती है बच्चों की उसमें जो सेल डले होते हैं वो निकल कैडमियम है या कॉर्डलेस फोन में डले होते हैं तो दिस एनसीआरटी से कभी पूछा नहीं आज तक बोर्ड एग्जाम में आया नहीं है टाइमिंग so तुमने सिर्फ तीन सेल करने हैं अभी लेट स्टोरेज ड्राई सेल और मर्क्री सेल अब जो रह गया इस चैप्टर में इस चैप्टर में प्लस यू हैव टू डू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिस दिस इज दर टॉपिक विच आल बी डूइंग लेटर ऑन अब मंडे ऑनवर्ड्स व रिविजन ऑफ ऑर्गेनिक क्लासेस आई एम नॉट गोइंग टू डू दैम सिक्वेंशली राइट अवे बिकॉज अब पहली तीन चार क्लास सबको आती हैं तो टाइम वेस्ट करने वाले का कोई आइडिया नहीं है मंडे से तुम्हारा ऑर्गेनिक शुरू हो रहा है एंड वॉट आई एम गोइंग टू डू यू ऑलरेडी हैव द सीक्वेंस ऑफ क्लासेस जो भी उनमें सबसे मुश्किल क्लासेज हैं जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है या बिस्टी ऑफ अमाइंस है जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मुश्किल क्लासेज है मैं सबसे पहले वहाँ से रिविजन शुरू करा रहा हूँ आई एल बी डूइंग कम्प्लीट ऑर्गेनिक क्लासेज विद यू

आपने कॉलेज में जाना है यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर तो डोंट एक्सपेक्ट स्पून फीडिंग टू अल इन क्लास फोर सपोज टू बी टोल्ड एवरी क्लास कि तुम्हें पढ़ना है बच्चा होमवर्क करना है छोटे बच्चे हो तुम क्या पांच महीने रह गए तुम्हारी तो लाइफ चेंज हो सकती है मुझे उनके लिए डर लगता है कुछ मूर्खों की वजह से अच्छे बच्चे पीछे ना रह जाए तो मुझे अब

Thank you sir